किसमें केमिस्ट्री, केमिस्ट्री चैप्टर का नाम है उसका नाम है, और उसका नाम है आई प्रेस आई प्रेस नॉन प्लेजर। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन द स्टेट ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सी टू सी थ्री सी फाइव एंड सी सिक्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन। स्ट्रक्चर दिया हुआ है सी एस थ्री सी एस थ्री सी थ्री ऊपर सी एस थ्री नीचे सी एस थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच फिर सी फिर ट्रिपल बॉन्ड सी एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच और सी एच पे भी ट्रिपल सी एस थ्री है ठीक। उसका सिंगल बॉन्ड सी फिर से ट्रिपल बॉन्ड सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच वाला आगे वाले के ठीक है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछा हुआ है कार्बन का, जो सेकंड पोजीशन पे थर्ड पे फिफ्थ पे सिक्स पे, जो सेकंड पोजीशन पे है उसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें दो सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा टू, तो टू हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो उसके लिए में एस पी ठीक है। इसके बाद सी थ्री पे आते हैं तो यहाँ देखेंगे कि इसका जो सिग्मा सिग्मा है इसमें तीन तीन सिग्मा हो जाएंगे, तीन में चार चार फोर सिग्मा प्रेजेंट है फोर सिग्मा, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा एस पी टू होगा एस पी थ्री हो जाएगा तीन चार पाँच पी थ्री हो जाएगा ठीक है। उसके बाद पूछा है कि और क्या पूछा है सी फाइव का, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ एस पी टू हो जाएगा एस पी टू और यहाँ पे एस पी थ्री फिक्स हो जाएगा एस पी थ्री, तो इसका जो आएगा इसका जो आंसर होगा वो सी टू का एस पी हो जाएगा सी थ्री का एस पी थ्री सी फाइव का एस पी टू और इसका सी सिक्स का एस पी थ्री ये हो जाएगा आंसर ठीक है। सेकंड क्वेश्चन द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ टू सिक्स डाई मिथाइल डेक फोर एन ई क्या, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ टू सिक्स डाई मिथाइल डेक फोर एन ई टू सिक्स डाई मिथाइल डेक 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 फोर एन ई फोर एन ई ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर सही है वो स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा ठीक है। इसमें
इसका इसका नेम पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है, तो इसका जब नाम आएगा तो आएगा ये देखेंगे, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, सी एच ओ ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ से नंबर शुरू होगा, यहाँ वन ये टू ये थ्री ये फोर ये फाइव ये सिक्स, ठीक है, सिक्स कार्बन है, सिक्स कार्बन का है, तो इसका नाम नाम जो होगा वो है वन टू थ्री, वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो थ्री पे कीटो ग्रुप है, थ्री कीटो और ये आएगा इसका नाम थ्री कीटो टू मिथाइल हेक्स फोर इन एंड फोर प्लस वन फोर प्लस वन एंडर सीएल सी सीएल एंडर इज वन वन टू टू सीएल सी सीएल एंगल इज वन वन टू टू टेट्रा टेट्रा क्लोराइड इथेन मीथेन एंड टेट्रा क्लोरो मीथेन रिस्पेक्टिवली विल बी अबाउट, ठीक है, उसमें जो पहला पहला कंपाउंड है वो है उसमें वो एल्कीन ग्रुप है, एल्कीन एल्कीन ग्रुप है, एल्कीन में जो ऑर्गेनाइजेशन आता है वो sp2 का आता है, और sp2 जो होता है ना उसका उस उसमें जो बॉन्ड का डिग्री होता है वो 120 डिग्री होता है, ठीक है, और दूसरा जो कंपाउंड दिया है उसमें वो एल्केन का है, एल्केन कंपाउंड है, ठीक है, जो एल्केन में जो हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है वो होता है sp3, उसका जो डिग्री होता है वो होता है 109.28 मिनट 2 पे इन है और 4 पे 1 2 3 4 4 पे आई है ठीक है, इसमें जो सिग्मा बॉन्ड दिखेगा तो होगा ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सिग्मा आएगा और 3 पाई बॉन्ड 10 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड इसका आंसर होगा, इस स्ट्रक्चर में 10 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है, ¿verdad?
एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स कंपोज्ड ऑफ, एक्सोस्केलेटन जो होता है आर्थ्रोपोड का वो काइटिन का बना होता है, काइटिन काइटिनियस काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन का तो इसका जो आंसर होगा वो काइटिन होगा, काइटिन। दूसरा क्वेश्चन मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये कैरेक्टर होता है एनेलिडा, एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा इसका कैरेक्टरिस्टिक है, आर्थ्रोपोडा एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक है। थर्ड क्वेश्चन, कोऑर्डिनेटर कैरेक्टर इज क्या, एक और डेटा कैरेक्टर इज, एक और डेटा, एक और डेटा कैरेक्टर इज, ऑप्शन ऑप्शन गिल्स स्पार्कल्स पोस्ट एनर्जल कैटिनियस एक्सोस्केलेटन, ये होता है पोस्ट एनर्जल, ठीक है, ये क्या था, एक ऑर्डिटा, एक ऑर्डिटा का एक कैरेक्टरिस्टिक है पोस्ट एनर्जल, ठीक है। फोर्थ, जेलीफिश बिलोंग टू क्लास, जेलीफिश स्पाइरोजुआ से आता है, स्पाइरोजुआ क्लास से बिलोंग करता है, स्काइकोजुआ टाइपिंग जो क्लास से ये बिलोंग करता है। फिफ्थ क्वेश्चन, दिस विच कैन बी यूज टू बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटोस रेगुलर केसी, ऑप्शन इज कार्प कैट फिश गैंगलिसिकम गैंगलिसिया, हाँ यही वो गैंगलिसिया, गैंगलिसिया जो है वो वही है उसका आंसर,